यार ये कितने पिंपल्स आ रहे हैं और ये मार्क कब जाएंगे? बाल तो ऐसे झड़ रहे हैं, लग रहा है 1 महीने में टकली हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, अनु को कॉल करती हूँ। बता, मेरे ना बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं और मार्क्स तो जा ही नहीं रहे हैं और बाल तो इतने झड़ रहे हैं कि क्या बताऊं, क्या करूं। अच्छा तो तेरे घर में एलोवेरा है क्या? हाँ है, लगा लूं क्या? अरे पागल, नहीं लगाना नहीं है, इसे खाना है। तो एक काम कर, एलोवेरा जूस पीना स्टार्ट कर। चल ठीक है, फिर मैं मार्केट से एलोवेरा जूस लेके आती हूँ। नहीं यार, तेरे घर में फ्रेश एलोवेरा है ना? हाँ है। तो सुन, मैं जैसे बता रही हूँ तो वैसे ही बनाना। चल ठीक है यार, फिर मैं ट्राई करती हूँ और तुझे बताती हूँ। तो चलिए फिर एलोवेरा जूस बनाते हैं। ये रहा एलोवेरा का प्लांट, पर इसे तोड़ू कैसे? फाइनली पहले इसे अच्छे से धो लेती हूँ। एलोवेरा को अच्छे से धोने के बाद इसको साइड से इस तरीके से काट लेना है। फिर हम इसका जेल निकाल लेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। अभी हम फ्रेश पुदीने के पत्ते लेके आएंगे। तो एक एलोवेरा से हमें इतने जेल मिले हैं। अभी इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून लेमन जूस, पुदीना लीव्स एंड थोड़ा सा अदरक। फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। फिर हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो ये अभी रेडी है हमारा फ्रेश फ्रेश एलोवेरा जूस। तो ये मेरा एलोवेरा जूस अभी रेडी हो गया है, तो मैं इसको अभी टेस्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग भी जाइए और ये जूस को ट्राई कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी निकला।